फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत सरकार ने चीन से आयातित होने वाली किस चीज पर रोक लगा दी है, एटीवी, बीफ्री, सी एयर कंडीशन या डी कूलर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के कहलगांव में तेजस्वी तेज प्रताप ने की चुनावी सभा, मांगा कांग्रेस के लिए वोट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव एवं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के कुल 71 सीटों पर होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान शुक्रवार को कहलगांव विधानसभा के सनोखर हाईस्कूल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर शुभानंद मुकेश के पक्ष में चुनावी सभा को आयोजित किया। देखिए हम नौजवान हैं, लंबी राजनीति करनी है, हम झूठ बोलने नहीं आए हैं, लंबा खेलना है, झूठ बोलेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए आप लोगों से हम वादा करते हैं, हम ठेठ बिहारी हैं, जो बोले नहीं करे नहीं, और मेरा डीएनए भी शुद्ध है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं, ये वादा एक महीने बाद सच होगा, शनिवार को हम लोग पटन का दर्जा देंगे। अभी हमने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भाषण सुन रहे थे। बिहार में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो बेरोजगारी की है। कितना नौजवान के पास डिग्री होकर के भी रोजगार नहीं है, जिसको रोजगार था उसका भी छीन लिया डबल इंजन की सरकार ने। कितना बेरोजगार है हाथ उठा करके बता दीजिए, कितना रोजगार 46.6 बेरोजगारी दर है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पलायन 50% है, गरीबी पूछने की जरूरत नहीं है। अभी कोरोना है, उम्मीद करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन सरकार के लोगों ने जो हमारे मजदूरों के साथ जब संकट की घड़ी में वो घर आना चाहते थे तो मुंह मोड़ लेने का काम किया, आने से रोक दिया। वहाँ भूखे नंगे सड़क पर जिंदगी बिता रहे। भागलपुर के कहलगांव में चुनावी रैली करने आए तेजस्वी तेज प्रताप के हेलीकॉप्टर का खत्म हुआ फ्यूल, तो हेलीपैड पर ही बिताना पड़ा समय। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले फेज में होने वाले मतदान के लिए कहलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के चुनाव प्रचार में रैली करने राजद नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को कहलगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सनोखर पहुंचे। चुनावी रैली समाप्त होने के बाद उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आने के कारण उन्हें करीब 1 घंटे का समय हेलीपैड पर ही बिताना पड़ा। वहीं बताते चले कि दरअसल कहलगांव सीट महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस की झोली में गया है। यहां से कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह विधायक हैं। इस बार यहां से कांग्रेस ने सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। तेजस्वी यादव कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार रैली करने उच्च विद्यालय सनोखर सनोला पहुंचे थे। भागलपुर में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने एक चुनावी सभा को किया संबोधित। भागलपुर के कहलगांव के शारदा पाठशाला मैदान में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहलगांव विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी पवन यादव के पक्ष में संबोधन के पूर्व गाना गाकर जनता को आकर्षित किया। वहीं संबोधन के दौरान सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। ये दीदी चाची हो, ये काका काकी हो, अब के बीजेपी पे आशीर्वाद बनावा ये भैया 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 नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभावा ये भैया, अरे पवनवा खड़ा मैं वकील करा के
जितावा ये भैया। अब के कहल गांव में ऐसे आगे बढ़ते रहिए, अपने शोहरत का एक हिस्सा समाज निर्माण में दीजिए, हमेशा युवा रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी से हम लोग सीखे हैं, इसलिए हमारा अब का बाकी समय जो जनता ने हमें बनाया उसके बेहतरी के लिए काम करना है। पवन को पहलगाम से जिता करके यहाँ का इतिहास बदलिए और यहाँ के विकास की गंगा बहाइए। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र आज से शुरू। पहले दिन शैलपुत्री स्वरूप की होगी पूजा। भागलपुर जिले भर में शनिवार से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्र कलश स्थापन के साथ आज से शुरू होगी। नवरात्रि को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में मंदिरों की सजावट व पूजा की तैयारी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। नवरात्र सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए विशेष महत्व होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दुर्गा के नव रूपों की पूजा होती आ रही है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, योगमाया, रक्त दंतिका, शाकुंभरी देवी, दुर्गा, ब्राह्मरी देवी व चंडिका प्रमुख हैं। इन नौ रूपों को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री नामों से जाना जाता है। इन नौ रूपों के दर्शन के लिए मंदिरों में जाकर लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं। नामांकन के अंतिम दिन बीहपुर व गोपालपुर विधानसभा से 10 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। 3 नवंबर को दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही नामांकन की प्रक्रिया में नामांकन के अंतिम दिन बीहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा से 5-5 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। अंतिम दिन हुए नामांकन में 153 गोपालपुर विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल, रालोसपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी उमेश शर्मा ने पर्चा दाखिल किया है। अंतिम दिन राजपा प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने पुनः नामांकन का एक सेट दाखिल किया है, जबकि 152 बीहपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद सनोवर महेंद्र सिंह पर्चाधारी, अपना किसान पार्टी से प्रियतम भास्कर, वंचित समाज पार्टी से प्रमोद कुमार आजाद, प्लूरल्स पार्टी से निधि भूषण ने पर्चा भरा है। अब तक गोपालपुर विधानसभा से कुल 14 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है, जबकि बीहपुर विधानसभा से कुल 10 प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। क्षेत्र की समस्या को देखते हमने चुनाव में आने का अपना मन बनाया। अनुमंडल में बाढ़ की समस्या है, सड़क की समस्या है, बहुत सारी समस्या है, आपका भ्रष्टाचार है और तरह तरह की समस्या, जिसके लिए हमको चुनाव मैदान में आना पड़ा। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? बहुत मुद्दा रहेगा गोपालपुर विधानसभा में बाढ़ की समस्या और सड़क मुद्दा रहेगा। जैसे इस्माइलपुर में भी बाढ़ आ रहा है, रंगा में भी बाढ़ आ रहा है और कहीं का सड़क सही नहीं है। ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि इसको ठीक किया जाए और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जाए। बोलिए आप अपने मन से, आपसे कोई सवाल नहीं। मैं सुशील कुमार सिंह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने हमको गोपालपुर विधानसभा 153 से उम्मीदवारी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से टिकट दिया गया है और हम पूरी मजबूती के साथ इस गोपालपुर विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और 100% जीत हासिल करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? जनता की सेवा करने के लिए। क्या सेवा करिएगा चुनाव जीतने के बाद? जो समस्या है। क्या समस्या है? अच्छा, विधानसभा का पूरा हर गांव घूम लिए होंगे आप, हैं? तो कोई गांव का नाम पूछेंगे तो बता दीजिएगा कौन प्रखंड में है। फरदपुर किधर है? फरदपुर नायनपुर में ना है? नायनपुर में फरदपुर है? कन्फर्म नहीं ना है? फरदपुर राघोपुर बोलो। कृषि आधारित उद्योग नहीं लगेगा तब तक हमारी बेरोजगारी दूरी नहीं होगी, हमारे मजदूर को उचित मुनाफा नहीं मिलेगा जी। इसलिए मैं केंद्र सरकार के साथ हूँ, आगे भी रहूँगा और उन्हीं के सहयोग से बिहार को नंबर 1
और बिहारी नंबर वन बनाऊंगा, यही हमारे पास। शायद सर पिछले 5 साल पहले की बात आपको याद होगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कुछ सवाल के जवाब में आपने कहा था कि जनता ने मुझे ताकत दिया है जी, और कुर्सी तक पहुंचने की चाबी दी है, मैं जो चाहूंगा वही होगा, वही हुआ भी था, आपने पहले ही कह दिया था। इस बार क्या कह रहे हैं सर आप? इस बार मुझको लगता है मैदान में हमको किन्हीं से कंटेस्ट नहीं है जी, जनता दोनों दल से यहाँ महागठबंधन और गठबंधन के जदयू प्रत्याशी को समझ चुकी है। नवगछिया, एनआर कटाने के बाद भी नहीं भरा पर्चा, गोपालपुर से 3 व बीरपुर से 2 ने नहीं भरे पर्चे। गोपालपुर विधानसभा से कुल 17 लोगों ने नामांकन के लिए एनआर कटाया था, जिसमें 14 ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, जबकि एनआर कटाने वाले 3 लोगों ने नामांकन दाखिल नहीं किया। नवगछिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, विभांशु मंडल एवं रंगरा प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव ने नामांकन पर्चा नहीं दाखिल किया है। वहीं बीहपुर विधानसभा से कुल 11 लोगों ने एनआर कटाया था, जिसमें 10 ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सौरभ कुमार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। नवगछिया, नामांकन चल ही रहा था कि ड्यूटी से गायब हो गए थे पुलिसकर्मी, एसडीपीओ ने पूछा स्पष्टीकरण। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में बीहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा में नामांकन के दौरान गुरुवार की संध्या समय प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा परिसर में प्रवेश कर जमकर नारेबाजी करने के मामले में एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कार्रवाई करते हुए सभी गेट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा है। मालूम हो कि गुरुवार को नामांकन का निर्धारित समय 3 बजने के बाद प्रशासन स्तर से बनाए गए गेट पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी निकल गए, जबकि गोपालपुर विधानसभा के निर्वाचन कक्ष में 2 प्रत्याशी का नामांकन होना शेष ही था। पुलिस पदाधिकारी के ड्यूटी से चले जाने के कारण प्रत्याशी के समर्थक परिसर में प्रवेश कर गए और जमकर नारेबाजी भी की। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने गेट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी अवर निरीक्षक फिरोज खान, सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार मंडल, अवर निरीक्षक मार्कुस आइंड, सहायक अवर निरीक्षक भृगनाथ यादव, अवर निरीक्षक राम प्यारे राय से स्पष्टीकरण पूछते हुए कहा है कि इस तरह की लापरवाही अनुशासनहीनता कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। एसडीपीओ ने 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने का निर्देश दिया है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079, 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगतिया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नवगछिया SP ने किया कमांडेंट व थानाध्यक्ष के साथ समन्वय बैठक। नवगछिया SP स्वप्नाजी मेश्राम ने शुक्रवार की दोपहर को अपने वेश में अर्धसैनिक बलों के कमांडेंट व विभिन्न थानाध्यक्ष के साथ विधानसभा चुनाव को स्वच्छ व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बैठक किया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि गोपालपुर व बीहपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर स्वच्छ व शांतिपूर्ण चुनाव कराने हेतु अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को भयभीत करने वाले दबंगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। SP ने बताया कि 74 बदमाशों के खिलाफ CCA का प्रस्ताव भेजा गया है, जिनमें 14 के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की स्वीकृति मिल गई है। अब तक 5587 लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें अब तक 2300 लोगों को बाउंड डाउन करवाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पुलिस जिला नवगछिया में 20 चेक पोस्ट बनाया जाएगा, 3 इंटर स्टेट नाके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी
46 शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों में से 44 लोगों के शस्त्र जमा करा लिए हैं। एक का शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द हो गया तथा दो और लोगों पर रद्दीकरण की कार्रवाई की जा रही है। नवगछिया में 24 घंटे होगी चेकिंग, अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। तेज पैरा मिलिट्री की 3 कंपनियां पहुंची नवगछिया। नवगछिया एसपी कार्यालय में शुक्रवार को एसपी स्वप्नाजी मिश्रा ने पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीपीओ दिलीप कुमार भी मौजूद थे। बैठक में एसपी ने विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पैरा मिलिट्री फोर्स के पदाधिकारी को उनके कार्य के बारे में जानकारी दी गई। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पैरा मिलिट्री की 3 और कंपनी नवगछिया पहुंची है। वहीं इसके पूर्व 3 कंपनी पहले से आ चुकी है। 3 नई पैरामिलिट्री की कंपनी के अधिकारी को उनके कार्यों के बारे में बताया गया। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि अब पुलिस द्वारा जिले में 24 घंटे चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ऑपरेशन तेज किया जाएगा। नवगछिया, अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी व आइसक्रीम ठेला में मारी टक्कर, एक की गई जान, एक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा मोड़ के पास NH 31 पर अनियंत्रित ट्रक के चपेट में एक ऑटो के आ जाने से भागलपुर के छोटी खंजरपुर निवासी राम प्रकाश चंद्र चौधरी 42 वर्षीय व आइसक्रीम विक्रेता नवगछिया थाना के कोरचक्का निवासी नारद सिंह 47 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के क्रम में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज अस्पताल में राम प्रकाश चंद की मौत हो जाने की सूचना मिली है। जानकारी मिली है कि ट्रक ने स्कूटी में धक्का मारते हुए आइसक्रीम वाले ठेला में धक्का दे मारा। इसके बाद नवगछिया पुलिस ने 0 माइल के पास ओवरटेक कर ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन ट्रक छोड़कर चालक और खलासी भागने में सफल रहा। दुर्घटना में ऑटो पर दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों घायलों को इलाज के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। 10 लीटर देसी शराब के साथ श्रीपुर के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया थाना पुलिस ने प्रशिक्षु दरोगा दीपिका जूही, विकास कुमार व पुलिस बलों ने छापेमारी कर नवगछिया के मखातकिया चौक से 10 लीटर देसी शराब के साथ श्रीपुर निवासी बबलू सिंह के पुत्र सावन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सावन कुमार को शुक्रवार के दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी मिली है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सावन कुमार के मक्का तकिया स्थित ठिकाने पर छापेमारी की थी। वहीं उसके ठिकाने से पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब को भी बरामद किया है। खैरपुर कदवा दुर्गा मंदिर अतिक्रमण मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार। पिछले साल खैरपुर कदवा दुर्गा मंदिर परिसर की जमीन अतिक्रमण मामले में वहां ग्रामीणों द्वारा किए गए हंगामे व पुलिस प्रशासन के साथ बदसुलकी के एक आरोपी को शुक्रवार के दिन कदवा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।